हेलो फ्रेंड, नीरू किचन में आपका स्वागत है। आज आपके नीरू किचन में बन रहा है कटहल का यमी यमी अचार। तो देखिए दोस्तों, ये कटहल और इसका बनाऊंगी मैं यमी सा अचार और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए दोस्तों, कटहल का अचार बनाना शुरू करते हैं। देखिए ये मैंने ग्रीन वाला कटहल है, देखिए ऐसे ये वाला कटहल है, मैंने इसको कट करके ऐसे देखिए छोटे छोटे पीसेज में कर लिया है। ये देखिए इसके छिलके उतार दिए हैं मैंने, इसको कट कर लिया, अच्छे से वॉश कर लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। आप इससे बड़े भी टुकड़े रख सकते हैं, इतना टुकड़ा अच्छा है कि अचार के लिए कि एक टुकड़ा आप ले लो तो ज़्यादा ना अचार की मात्रा ही रहेगी, ना छोटा ही बहुत है ना बड़ा है। ये मीडियम साइज़ का मैंने टुकड़े बनाए हैं, आप जितना बड़ा पीस में काटना चाहते हो कटहल को कट कर लीजिए। और आपको धुल के अच्छे से वॉश करके एक बर्तन में किसी ले लेना है, चाहे बाउल हो चाहे प्लेट हो। बस आपको आधा चम्मच हल्दी डालना है, 1 चम्मच 1.5 चम्मच उसमें ऑयल डालना है। कटहल मेरा आधा किलो है, मात्रा आप बढ़ा घटा सकते हो। और देखिए मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है, आधा चम्मच हल्दी डाला, आधा चम्मच नमक डाला है और इन सबको अच्छे से कर दूंगी मिक्स। हम इसको बॉयल करेंगे दोस्तों फ्रेंड, हम इसे ऑयल ऑयल करें मतलब ऑयल लगा करेंगे, हल्दी या नमक लगा करके इसको बॉयल तो करेंगे लेकिन हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। आप इस तरीके से अचार बनाइएगा तो आपका अचार ख़राब भी नहीं होता है और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। तो पानी में जो पका करके हम बनाते हैं किसी चीज़ का अचार, वो ख़राब होने का चांस भी उसमें ज़्यादा रहता है और उसका स्वाद दूसरा होता है, इसका स्वाद दूसरा। देखिए मैंने इस कुकर में रख दिया था बॉयल होने के लिए, देखिए मेरा कटहल बॉयल भी हो चुका है, देख रहे हैं थोड़े थोड़े से ऐसे, देखिए एक एक पार नीचे वाले पार्ट में किसी किसी में लग भी गया है ना कटहल। तो लेकिन इसका अचार आप बनाइएगा ना, क्योंकि इसमें पानी नहीं रहता, तो ये बहुत अच्छे से, जो थोड़ा सा नमक और हल्दी और तेल मैंने मिलाया था ना, हल्दी तो मैंने इसमें कलर के लिए मिलाया था, फ्लेवर आने के लिए, लेकिन नमक और तेल से ना, तेल से ये जलेगा नहीं और नमक से ये पकेगा जल्दी से, बहुत जल्दी से अच्छे से ये थोड़ा थोड़ा भाप इसमें लग जाता है। इसके मसाले मैंने तैयार किए हैं, तो मैंने एक पैन में जीरा, धनिया, मेथी दाने, सौंफ ले करके मैंने मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लिया था और उनमें 2-3 चम्मच मैं सरसों सीड्स भी डाल रही हूँ। इन मसालों को मैं बना करके रख लूँगी। इतना मसाले दोस्तों इसमें नहीं पड़ता है, इसमें बहुत थोड़ा सा मसाला डाला जाता है इस कटहल के अचार में, मैं बस बना के रख लेती हूँ। तो किसी भी अचार में आपको बनाना हो, आपको कोई भी कलौंजी बनाना हो, तो ये मसाले हमारे उसमें यूज हो जाते हैं। तो मैं इन मसालों को अच्छे से रोस्ट कर ली हूँ, इसमें जीरा, सौंफ, मेथी दाने, धनिया सीड्स और सरसों सीड्स, इन सबको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है देखिए दोस्तों। और एक मिक्सर जार लिया है, उनमें इन मसालों को मैं देखिए पीसूंगी, दरदरा पीसूंगी, बहुत महीन, आपको फाइन महीन नहीं पीसना है दोस्तों। अगर आपको मसालों की रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पर मैंने मसाले को रेसिपी डाल के रखा है, जो कलौंजी अचार के लिए मसाले बनते हैं, आप उनसे में जा करके अच्छे से देख करके और मसालों को मेजरमेंट को समझ सकते हैं। बस मसालों को मैंने पीस लिया, देखिए ना बहुत ही महीन पेस्ट बनाया है और दरदरा ही मसाला मैंने पीस करके तैयार कर लिया दोस्तों। ये अचार बनाने के लिए हमारा मसाला भी तैयार हो गया। और देखिए इधर मैंने कटहल जो निकाला था ना, उसको मैंने थोड़ा सा धूप में रख दिया था बाहर, धूप है या फैन में भी आप रख सकते हो, किस क्योंकि इसमें पानी तो है नहीं, धूप में रख दो या फैन में रख दो, थोड़ा सा जो इसमें मॉइस्चराइजर होता है ना कि ये बॉईल करने में वो चीज़ें सूख जाएं बस। और देखिए मेरा कटहल एकदम तैयार हो गया अचार बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको थोड़े से ही मात्रा में बता रही हूँ, आप इसी मेजरमेंट से इसी तरीके से को फॉलो करते हुए आप चाहे जितने मात्रा में भी अचार बना सकते हो। तो मैंने कटहल को एक बाउल में ले लिया, उसमें भर के 1 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। अचार में हल्दी की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तभी फ्लेवर दिखता है दोस्तों। तो ये ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की मात्रा अच्छी नहीं होती है। तो मैंने 1 चम्मच भर के हल्दी डाल दिया है देखिए। और ये मैंने लिया है कलौंजी, कलौंजी मैंने लिया है आधा चम्मच के करीब, क्योंकि मैं अचार कम मात्रा में बना रही हूँ। आप अगर ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं सारे मसाले, आप उसी मात्रा के हिसाब से रखिएगा,
मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ तरीका कि किस तरीके से बनाना है। इस तरीके से आप बनाओगे तो आपका अचार लॉन्ग टाइम भी चलेगा, ख़राब नहीं होगा और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। और 1 चम्मच 1.5 चम्मच मैं इसमें भर के खाने वाला स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ। थोड़ा सा अचार में नमक की मात्रा ज़्यादा डाला जाता है, इससे अचार भी हमारा नहीं ख़राब होता और अचार में जब नमक घुल जाता है ना तो नमक की मात्रा कम हो जाती है दोस्तों, इसलिए नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना चाहिए, जैसे हम खाने में जितना यूज करते हैं उससे ज़्यादा। और ये लहसुन और मिर्च का मैंने पेस्ट बनाया था तो मैं भर के 1 चम्मच लहसुन मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। लहसुन डालने से कोई भी अचार हमारा हो उसका फ्लेवर और स्वाद बहुत बेहतरीन हो जाता है। और इन सबको मैं मिला दे रही हूँ, देखिए। लहसुन मिर्च को और हल्दी को नमक को सबको हम थोड़ा थोड़ा मिला देंगे, जो कि हमारे कटार में थोड़े से लिपट से जाएं, थोड़ा सा एक दूसरे में मिल जाएं, देखिए ऐसे ऐसे। आप हल्के हल्के हाथों से थोड़े से, हमारे कटहल बॉईल हुए हैं ना तो बहुत दबा के नहीं, किसी भी कलछुल की मदद से, चम्मच की मदद से, हाथों से जैसे आपकी मात्रा हो उस हिसाब से आप हल्के हल्के हाथों से या चम्मच से मिलाइएगा। अब ये जब थोड़ा सा मिल जाएंगे तो जो मैंने मसाले पीस करके अभी रखे हैं ना, उन मसालों में मैं मसाले 1.5 चम्मच के करीब डाल दे रही हूँ, ज़्यादा मसाले नहीं। आपको अगर और कम रखने तो आप कम रख सकते हो, कटहल के अचार में ज़्यादा मसालों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। मसाला सिर्फ स्वाद और फ्लेवर के लिए होता है, बहुत ज़्यादा मसाले इन सब अचार में नहीं पड़ते हैं। तो मैंने 1.5 चम्मच के करीब इसमें मसाले भर के डाल दिए हैं, चम्मच मेरा थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों। और उसी चम्मच से 3-4 चम्मच मैं इसमें सरसों ऑयल डाल रही हूँ। सरसों ऑयल मेरे घर का है, अगर आपका मार्केट का है तो आप थोड़ा सा उसको गरम करके तब डालिएगा, क्योंकि मार्केट वाले सरसों में तेल में जो होता है ना वो महक रहता है, झाग ज़्यादा रहता है, तो उससे थोड़ा सा वो स्वाद नहीं आता। आप थोड़ा सा उसको गर्म कर लीजिए, हल्का सा हीट कर करके ठंडा करके फिर डालिएगा। मेरे घर का सरसों ऑयल है तो इसमें वो मार्केट वाला झाग या महक नहीं है, तो मैं उसको कच्चा ही डालती हूँ अचार में, उस बहुत अच्छा फ्लेवर और स्वाद आता है उससे। और सरसों के ऑयल में ही मैं सजेस्ट करूँगी आप अचार ज़रूर बनाइए, तो सरसों ऑयल में ही बनाइए, सरसों ऑयल का टेस्ट बहुत अच्छा होता है दोस्तों। और किसी भी ऑयल में अचार नहीं बनाना चाहिए। 1/2 चम्मच मैंने लाल काश्मीरी मिर्च डाला है सिर्फ फ्लेवर के लिए, मुझे हल्दी थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने हल्दी भी डाल दिया है। और इन सबको मैं अच्छे से मिला दी हूँ, देखिए ये आपस में अच्छे से मिल गए हैं अचार में मेरे, देख रहे हैं, इन सबको मैंने अच्छे से मिला दिया है। और ये अचार ऐसा होता है ना दोस्तों कि आप इसको तुरंत भी यूज कर सकते हो, और जितना टाइम रख दोगे उतना तो और अच्छा हो ही जाएगा। ये देखिए लास्ट में मेन चीज़ क्या मैं डाल रही हूँ इसमें, विनेगर। मैं इसमें सिरके का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये टॉप्स का सिरका है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी सिरका डाल सकते हैं। सिरके डालने से क्या होता है कि हमारे कटहल का या किसी भी अचार का लॉन्ग टाइम रहना भी हो जाता है, आप कैसे भी छू रहे हो कहीं भी रखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद इसका खट्टापन भी अचार में हमारे आ जाता है, जिससे हमारा अचार का स्वाद 2 गुना हो जाता है। और सिरका डालने से तो अचार हमारा किसी भी तरीके से ख़राब ही नहीं होता। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि ऑयल आप कम डालते हो मगर सिरका डाल देते हो ना, तो वो ऑयल का भी काम कर जाता है, बहुत आपको तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम चीज़ें सिर्फ तेल से बनाते हैं ना, वो सिरका डालने से तो हमें तेल की मात्रा कम करनी पड़ती है और बहुत अच्छा फिर भी अचार रहता है। तो देखिए दोस्तों मैं इन सबको अच्छे से मिला दी हूँ और अचार हमारा एकदम बन के रेडी हो गया है दोस्तों। तरीका सिर्फ यही रहेगा, मात्रा बढ़ेगा अगर आप ज़्यादा और कम बना रहे हो, बस यही होगा। और अचार का फ्लेवर मेरा देखिए इसमें कम दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छा बना था अचार दोस्तों। मैं फिर मिलूँगी नए रेसिपी के साथ। बाय।